स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज का हमारा टॉपिक है पेस स्पेशल। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे पेस स्पेशल का क्या क्या यूज़ है। वैसे ही नॉर्मली आप लोग सब जानते हो कि पेस स्पेशल जो हम करते हैं नॉर्मल होता है कि आप कॉपी करो और आपको कहीं पेस्ट करना होता है तो आप नॉर्मल इसको कॉपी करके और इसको कहीं भी जाके आप पेस्ट कर देते हो कंट्रोल वी करके, तो ये पेस्ट हो जाता है। बट जब भी आप पेस्ट करोगे तो पेस्ट में आपके पास कई तरह के ऑप्शन होते हैं, इससे अपने आप काम को और ईजी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया जिसका नाम रैन बिटवीन है। ये क्या करता है रैन बिटवीन का फार्मूला, कि आप यहाँ पर कहीं भी रैन बिटवीन लगाओ, आपने बोला 1 से लेकर 100 तक नंबर चाहिए, तो ये क्या करेगा, जैसे आप इस फार्मूले को पूरे कंप्लीट करोगे और कंट्रोल डी से डाउन कर दे, अब देखो जहाँ भी आप इंटर मारोगे अपना रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज कर दे। जैसे आपके ओपीटी नंबर होते हैं ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो जिसमें ओपीटी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर नंबर जनरेट होते हैं। अब बात आती है इस फार्मूले का यूज़ कहाँ होता है। इस फार्मूले को बेसिकली तो कहीं नहीं होता, बस फेक डाटा बनाना होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप आगे भी देखेंगे कि इस फार्मूले का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें मुझे फेक डाटा बन जाता है, इसे बनाना नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगा रखा है रैन बिटवीन का फार्मूला। अब मुझे क्या करना है, इस डाटे को कॉपी करना है, क्या करना है, कॉपी करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मुझे इस वैल्यू को कॉपी नहीं करना है, मुझे कॉपी करना है जो फार्मूला बार में जो वैल्यू दिखेगी उसको कॉपी करना है। तो क्या करना है उसके लिए, आप कॉपी करोगे, यहाँ जाते हैं पेज स्पेशल इज फार्मूला, इसको कॉपी करते हैं, हमें जहाँ चाहिए वहाँ राइट क्लिक करेंगे, पेज स्पेशल में आएंगे, आपके पास एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है पेज इज फार्मूला। तो फार्मूला क्या करता है, जो फार्मूला बार में वैल्यू विजुअल होती है, जो यहाँ वैल्यू विजुअल होती है उसको पेस्ट करता है। अब देखिए जो यहाँ वैल्यू उसने पेस्ट करा यहाँ, अब जैसे आगे जाओगे तो यहाँ पर जो उसका फार्मूला था उसने पूरे फार्मूले को पेस्ट करा, इसको बोलते हैं हम पेस्ट इज अ फार्मूला। जब आपको कभी भी फार्मूले की ज़रूरत हो पूरा फार्मूला कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट इज अ फार्मूला। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों किसी को, देन ठीक है। तो पेस्ट इज अ फार्मूला ये करता है, इसके पास आता है पेस्ट इज अ वैल्यू। अब वैल्यू क्या करता है, वो फार्मूले को रिमूव करता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस डाटा को कॉपी करूँ, ठीक है, तो इसमें फार्मूला ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कहीं भी जाते हैं होता तो हम कंट्रोल वी कर देते हैं। जैसे हम कंट्रोल वी करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो इसके अंदर फार्मूला लगा होता है वो भी आ जाता है। बट कभी कभी, अभी तो ये फार्मूला इंडिविजुअल है, कहीं कहीं फार्मूला एक दूसरे से लिंक होता है, किसी अदर शीट से लिंक होता है, किसी अदर फाइल से लिंक होता है। तो क्या होता है, जब डाटा उठाते हो तो वहाँ पर उसको इनपुट नहीं मिलती, जिससे आपकी एरर आती है, बट ये तो इंडिविजुअल, इसलिए आपकी एरर नहीं आ रही। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि जब भी हम इस डाटा को कॉपी करें तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे और आपको जहाँ चाहिए आप वहाँ जाएं, राइट क्लिक करें पेज स्पेशल और यहाँ मिलेगा पेस्ट इज़ अ वैल्यू। आप इसको पेस्ट करेंगे तो देखिए इसमें जो फार्मूला था उसने फार्मूले को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, पेस्ट इज़ अ वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है कि सर मुझे इसके ऊपर से ही रिमूव करना है, तो आप इसी के ऊपर कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर क्या कर दीजिए, पेस्ट स्पेशल पेस्ट इज़ अ वैल्यू, देखेंगे आप फार्मूला रिमूव हो गया, हो गया रिमूव। तो अगर कहीं भी आपको फार्मूला रिमूव करने की जरूरत पड़ती है तो आप ऐसे ही करोगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे कभी फेक डाटा बनाता हूँ तो मैं रैंड बिटवीन लगाता हूँ, मैंने बोला 1 से लेके 100 तक, और मैंने कंट्रोल आर। अब मैं अगर मैं इस फार्मूले को ख़त्म नहीं करूँगा तो पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि जहाँ भी मैं एंटर मारूंगा ये अपना रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज करेगा। कभी कभी हम कैलकुलेशन के लिए फार्मूला बनाते हैं तो उससे इनपुट हमारा चेंज होता रहेगा, सामने वाला समझ नहीं सकता क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फार्मूले को क्या करना है मुझे, रिमूव। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो पूरा सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसको कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर क्या कर देंगे, पेस्ट स्पेशल पेस्ट इज अ वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार कीबोर्ड क्यों छू रहे हो, तो मैंने कल आपको तरीका बताया था कैसे, आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट बटन दबाएं, फिर आप एच दबाएं और फिर पेस्ट के लिए क्या है, वी दबाएं और फिर वैल्यू के लिए भी वी है। लेकिन अभी ये पॉपअप खुल नहीं रहा क्योंकि हमने इसको कॉपी नहीं करा, तो पहले हम कॉपी करते हैं, फिर एच दबाते हैं, फिर वी दबाते हैं, फिर एस दबाते हैं, ऐसे क्या होता है पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और फिर हमें क्या करना है, वैल्यू वैल्यू के लिए वी दबा देंगे और देन इंटर। देखिए आपका फार्मूला रिमूव हो गया, अब कहीं भी फार्मूला आपका नहीं रहा। तो पेस्ट द फार्मूला कब करते हैं और वैल्यू कब करते हैं, जब हमें उसमें से फार्मूले को रिमूव करना होता है। एक चीज़ और याद रखना कि जब भी आप पेस्ट एज अ वैल्यू करोगे तो किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को नहीं लेगा। जैसे जब हमने इसको पेस्ट एज अ वैल्यू करा था तो
तो इसके अंदर कलर हो रहा था इसका, फिर साइज अलग था, तो लेकिन इसने क्या करा, नॉर्मल इसको पेस्ट करा। तो पेस्ट इज अ वैल्यू क्या करता है, किसी भी फॉर्मेटिंग के साथ डील नहीं करता, उसकी जो रियल वैल्यू होती है उसको ही पेस्ट करता है। ठीक है, तो पेस्ट इज अ वैल्यू समझ में आ गया, आगे चले। पेस्ट इज अ फॉर्मेट। अब मैंने कहा नहीं सर मुझे खाली इसका फॉर्मेट चाहिए जैसा बना हुआ है, मुझे इसके अंदर कंटेंट नहीं लिखना, मैं अपने आप लिखूंगा। तो क्या करते हैं हम लोग, हम पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे कॉपी, और हमें जहाँ चाहिए होगा वहाँ जाके राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट इज अ फॉर्मेट। तो क्या होगा, खाली इसकी फॉर्मेटिंग आएगी और कुछ नहीं आएगा, बाकी जो आपको लिखना है वो आप नॉर्मली लिख सकते हैं। ठीक है, जैसी फॉर्मेटिंग आपकी वहां होगी वैसी यहां फॉर्मेटिंग होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को किसी को? दे आगे देखिए, अब आता है पेस्ट इज अ कमेंट। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर जैसे मुझे बताना पारस ने अच्छी सेल करी है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, क्या मैं इसके बाहर लिखूँ? नहीं, तो आप क्या करते हैं, हम लोग बहुत से कमेंट डालते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, कमेंट के अंदर जाते हैं, इंसर्ट कमेंट, और जो हमें कमेंट लिखना होता है हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब यही कमेंट मुझे 50 जगह कॉपी पेस्ट करना है। अगर मैं इसको कॉपी करके नॉर्मली कॉपी करता हूँ और उसको जहाँ चाहिए वहाँ जाके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो क्या होता है, साथ साथ उसकी वैल्यू भी आ जाती है वैल्यू, और फिर कमेंट आता है। हमें ओनली क्या चाहिए, कमेंट। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, और हमें जहाँ चाहिए उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और क्या कर देंगे, पेस्ट इज अ कमेंट, एंड देन ओके। खाली कमेंट आएगा। ठीक है, अगर आपको कमेंट का आइकन चेंज करना है, कमेंट का कलर चेंज करना है, तो आप इस पे जाइए। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ तक ऐड, ऐड पे क्लिक करो, यहाँ कर्सर रखो, आपको मिलेगा यहाँ से फॉर्मेट कमेंट। तो आपको जैसा कमेंट करना है आप यहाँ से कमेंट की साइज बढ़ा सकते हो, कमेंट के अंदर पिक्चर डाल सकते हो, इसके अंदर बोल्ड जो वर्ड लिखा है आप उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कितना साइज रखना है वो कर सकते हो, अलाइनमेंट कितना होना चाहिए, कलर लाइन कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ से ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज कर सकते हो आप एक बॉर्डर की। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, इसका साइज कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ से साइज वाइज बढ़ा सकते हैं। तो आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो अपने कमेंट में अपने हिसाब से, जैसे ओके करोगे तो आपका कमेंट कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पेस्ट इज अ वैलिडेशन। क्या आता है, पेस्ट इज अ वैलिडेशन आता है। अब वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें, वालेकुम सलाम, सबसे पहले पेस्ट एज अ वैलिडेशन करने के लिए समझना पड़ेगा कि वैलिडेशन होती क्या है। वैलिडेशन जब आगे चल के आप किसी भी कंडीशन के अंदर, जैसे आप डाटा के अंदर जाके वैलिडेशन के अंदर जाओगे, तो आपको यहाँ पर टॉपिक मिलते हैं कि मतलब इस सेल के अंदर इस क्राइटेरिया की यही वैल्यू पुट होनी चाहिए, तो वैलिडेशन कहते हैं। शिवम इधर आ जाते हैं, कोई नहीं पहन रखा है, शुरू आ जाओ। अब वैलिडेशन क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पर कोई भी लिखूंगा तो मैं इसके सिवा और कोई वैल्यू को नहीं सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने कहा ये वैल्यू आएगी मेरी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यही वैलिडेशन मुझे हर जगह कॉपी पेस्ट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और हमें जहाँ चाहिए होगा उसमें राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट इधर क्या कर देंगे, वैलिडेशन। तो खाली इसकी वैलिडेशन आएगी, देखिए इसका यूज आगे बहुत होगा, तो इसलिए इसमें डीपली इतना जानने की जरूरत नहीं, मैं आगे जब इसका यूज होगा तो बता दूंगा, जब हमारा डाटा के अंदर वैलिडेशन जाएंगे तब आपको इसके बारे में समझाऊंगा। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं इसको डाटा को कॉपी पेस्ट करूँ लेकिन इसका बॉर्डर ना आए, तो क्या करेंगे, हम इस डाटा को कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट ऑल एक्सेप्टेड, बॉर्डर पर छोड़ देंगे, खाली आपका बॉर्डर नहीं आएगा बाकी सारे कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो इसलिए होता है। देन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कॉपी, मैं जैसे मेरे पास ये डाटा है, हम लोग क्या करते हैं, हम इसको ऑटो फिट कर देते हैं, ऑटो फिट करते हैं, जैसे
जितना इसकी कॉलम की रियल साइज है आप उसके अंदर फिट कर दो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इसको पूरे डाटा को कॉपी करते हैं ना, हमें कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना होता है, हमने कॉपी करा, हमें यहाँ पेस्ट करना, तो हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और बोल देते हैं पेस्ट। तो क्या होता है, जो इसकी रियल कॉलम विड्थ होती है वो साथ में पेस्ट हो जाती है। हम चाहते हैं कि जो इसकी कॉलम विड्थ यहाँ पर है वही यहाँ पर पेस्ट हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हम डाटा को कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। हमने इसको कॉपी करा, हमें जहाँ चाहिए हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और बोल देंगे पेस्ट इज अ कॉलम विड्थ। तो आपका देखो पहले कॉलम विड्थ आएगी, उसकी कॉलम विड्थ आ गई, देन उसके बाद आप कंट्रोल वी करेंगे, तब आपका काम होगा। पहले क्या करना है, पहले पेस्ट इज अ कॉलम विड्थ एंड देन पेस्ट। लेकिन अगर एक्सेल 2016 में जाते हम लोग, अगर मैं एक्सेल 2016 की बात करता तो उसके अंदर दोनों के लिए एक टॉपिक बना दिया उन्होंने। अगर मैं इस डाटा को कॉपी करूं, कॉपी करा और यहाँ जाके मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसकी रियल कॉलम विड्थ है वही इसके अंदर पेस्ट हो, तो आपको दो बार करना पड़ता है, एक बार आप कॉपी करते हो उसके बाद क्या करते हो पेस्ट। तो आप पहले इसको कॉपी कीजिए और आपको जहाँ चाहिए राइट क्लिक पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में आपको मिलेगा यहाँ से कीप सोर्स कॉलम विड्थ। जैसे ही करोगे तो उसके अंदर कॉलम विड्थ भी आएगी और साथ साथ इसका डाटा भी आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करके करोगे तो पहले आपको कॉलम विड्थ ही आएगी, उसके बाद आपका डाटा आएगा। फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वी, तब आपके डाटा आएगा। तो दोनों में ये अंतर है। देन आगे उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने डाटा पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है पेस्ट इज अ फॉर्मेट नंबर। अब इस चीज को समझिए, जब हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे आप मुझे इस फार्मूले को रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को कॉपी कर दें और जहां में चाहिए तो वहां क्या कर देंगे, राइट पेस्ट स्पेशल पेस्ट राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट इज अ वैल्यू कर, वैल्यू करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो तो रिमूव हो गया, बट ये क्या होती है, जो डेट है ना वो नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ 42736 ही क्यों आया, या 37 क्यों आया, या 38 क्यों आया, या 39 क्यों आया। मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर क्यों आया है, क्योंकि एक्सेल जो बना है वो 1/1/1900 से स्टार्ट हुआ है। तो ये बताता है कि आपकी जो यहाँ पर 1 जनवरी 2017 है उसका जो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, वो 42736 हो गए। तो आज हमारी 4 तारीख है, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए कंप्यूटर बने हुए हैं, 42739 दिन। ठीक है, अब इसको कोई कहता है कि सर प्रूफ करके दिखाओ कि ये ऐसा रियल में है, तो मैंने यहाँ सिंगल वन लिखा और इस पर एंटर मार दिया और मैं यहाँ पर गया होम के अंदर, जनरल के अंदर बजाय मैंने कर दिया इसको शॉर्ट डेट। जैसे ही करा तो क्या आ गया आपका 1 जनवरी 1900। मैंने यहाँ पर 367 लिखा तो कितना आ गया, इतना आ गया। मैंने 700 लिखा तो कितना आ गया, 30 नवंबर। मैंने यहाँ 3500 लिखा तो कितना आ गया, मैंने यहाँ 40,000 लिखा तो कितना आ गया आपका, 6 जुलाई 2009। मैंने यहाँ 10,000 लिखा, कितने आ गया, 10,000 नहीं हो गया, ज़्यादा हो गया, 1,00,000 हो गया, कंट्रोल शिफ्ट। तो क्या आ गया, 18 मई 1927 आ गया। ऊपर देखिए फार्मूला बार में, अगर मैंने इसको 35,000 कर दिया तो कितना आ गया आपका, 1995। अगर मैं 42,000 करूंगा तो कितना आ रहा है इसका, 27 दिसंबर 2014। अगर मैं 42,700 करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 26 नवंबर। अगर मैं 42,736 करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 1 जनवरी 2007। अगर मैं आज की रेट डाल दूं 42,739 तो क्या आ जाएगा आपका, 4 जनवरी। ठीक है, अब बात आती है कि सर इतनी मेहनत प्रोग्रामर ने क्यों करी, क्यों इसने इस डेट को इस फॉर्मेट में करा, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए। आपको पता है कि अगर मैं किसी नंबर अल्फा के साथ, किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई नंबर लिखता हूं तो वो नंबर ना बन के क्या बन जाता है, हमारा कैरेक्टर। अभी कोई नंबर नहीं रहा, आप क्या बन गया, ये कैरेक्टर। क्या आप इस पे 2+ कर सकते हो, नहीं। अगर आप जैसे इंटर मारोगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू की एड आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक सिंपल सा मैथ का रूल है कि आप किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई नंबर को प्लस नहीं कर सकते, यही रीजन है इसमें। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ भी तो यही बात आ रही है, यहाँ भी तो लिखा है 4 जनवरी 2017, तो यहाँ कैसे हो रहा है।
बट जो यहाँ दिख रहा है इसकी फॉर्मेटिंग है 4 जनरली, लेकिन आप इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो इसकी रियल वैल्यू कितनी है, 42,739। बस इसकी फॉर्मेटिंग हुई है तो उसकी फॉर्मेटिंग हुई हुई आपकी डेट के पैटर्न से, लेकिन जो इसकी रियल वैल्यू कितनी है, 42,739। तो इसलिए प्रोग्रामर ने, अगर मैंने कहा इस डेट में मुझे 20 दिन प्लस करने हैं, देखो प्लस हो जाएंगे दिस एंड दिस, तो क्या आ गई आपकी 24 जनवरी। क्यों? क्योंकि जो ये प्लस हुआ तो उसकी रियल वैल्यू कितनी थी, 42,739, और जो यहाँ प्लस हुआ किसमें प्लस हुआ है आपका, इसमें प्लस हुआ। ठीक है, तो ये रीजन था, अगर इसलिए प्रोग्रामर ने ऐसा करा। एक चीज और है, जब भी आप कॉपी पेस्ट एज अ वैल्यू करोगे, जैसे हमने क्या करा, एरिया को सिलेक्ट करा और इसी के ऊपर जाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज अ वैल्यू, तो वैल्यू से क्या हुआ, वैल्यू ने फार्मूला तो रिमूव कर दिया, देखिए फार्मूला तो यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को ये डील नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बताया था फार्मूला क्या करता है, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग के साथ डील नहीं करता, जैसी उसकी रियल वैल्यू होगी उसको ही पेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसकी रियल वैल्यू कितनी थी, इतनी। तो आप चाहते हो कि सर नहीं, जब भी मैं पेस्ट करूं तो मेरी जो रियल डेट हो उस पैटर्न में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, और जहाँ चाहिए वहाँ आप राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ करेंगे पेस्ट एज अ वैल्यू एंड नंबर फॉर। तो इससे क्या होगा, आपकी जो नंबर के साथ साथ उसके नंबर था वो भी आएगा, फार्मूला जो पेस्ट एज अ वैल्यू करता है वो भी सब करेगा, साथ में क्या आएगी आपकी, उसकी फॉर्मेटिंग आ जाएगी, जो डेट की फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, दोनों में ये अंतर होता है। अगर आप नॉर्मल पेस्ट एज अ वैल्यू करोगे तो वैल्यू क्या करता है, किसी भी तरह के फॉर्मेटिंग के नहीं पेस्ट करेगा, लेकिन पेस्ट एज अ नंबर फॉर्मेटिंग करोगे तो क्या करेगा, जो नंबर फॉर्मेटिंग होगी उसको साथ में वो पेस्ट भी कर देगा। हाँ देखो, कामना ने क्वेश्चन पूछा कि जब हमने, अब देखो इसकी रियल वैल्यू कितनी है, पहले समझ लो यहाँ पर एक फार्मूला लगाया जिसका नाम है रैन बिटवीन। रैन बिटवीन करता क्या है, अभी आप लेट आए हो तो देखिए, रैन बिटवीन मैंने यहाँ एक लिखा और डाल दिया टॉप में 100। अब मैं जैसे इसको कंट्रोल डी से डाउन करता हूँ, डाउन हो गया, अब मैं कहीं भी इंटर मारूंगा तो ये वैल्यू अपने आप रिजल्ट चेंज करता है, क्या करता है, ये अपने आप वैल्यू को चेंज करता है। आप पूछोगे सर इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ कहीं नहीं होता, हाँ लेकिन अगर आपको फेक डाटा बनाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे मुझे यहाँ फेक डाटा बनाना था, नहीं तो मुझे मैनुअली वैल्यू टाइप करनी पड़ती। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैंने इसको कॉपी करा था, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो इसकी रियल वैल्यू कितनी है, सेल की 71 है 60। मैं इसको कॉपी करा और जहाँ चाहिए था मैं वहाँ गया, और मुझे क्या करना है, पेस्ट इज अ वैल्यू, जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा देखिए यहाँ के नंबर चेंज हो गए, लेकिन जब मैंने कॉपी करा था उसका नंबर कितना था, 71। तो ये वैल्यू अपने आप चेंज करा इसने फार्मूले के हिसाब से, लेकिन जो इसने कॉपी करा था उस समय इसकी वैल्यू कितनी थी, 71, तो ये उस वाली वैल्यू को पेस्ट करता है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो पेस्ट एज अ नंबर फार्मूला दोनों एक ही बात है। अब इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में देखो आपका पेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, फार्मूला सिखा दिया, वैल्यू फॉर्मेट कमेंट, ये सारा आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑपरेशन, फिर स्किप ब्लैंक और ट्रांसपोज। ठीक है, इसके लिए अभी कराता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।